इज वन बी। कुछ बच्चों ने मेरे पास अपने डाउट भेजे हैं तो आज मैं उन लोगों के लिए करूँगा, ठीक है। जैसे एक बच्चे को डाउट था नंबर लाइन में, चलो हम क्वेश्चन ले लेते हैं। एक क्वेश्चन नंबर फोर, -3/1/7 विच वी आर टू रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन, ठीक है। माइनस का है तो जीरो से पहले आएगा, ठीक है, तो हम लाइन बनाएंगे 0, 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है। माइनस, ठीक है। हमें रिप्रेजेंट करना है -3 whole, -3 पूरा। इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते, एक तो -3 और 1/7, ठीक है। अब -3 कहाँ पर आ रहा है मेरा, -3 तो हो गया ही। अब हमें लेना है 1/7, 1/7 मतलब 7 पार्ट करने हैं और उसमें से एक पार्ट लेना है। किसके करने हैं? -3 के बाद क्या आता है? -4। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 पार्ट होगा, तो फर्स्ट पार्ट होगा हमारा 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, ठीक है। तो -3 whole 1/7 आ जाएगा हमारा यहाँ, क्लियर। एक बार इसको दोबारा देखो, अच्छे से समझ में आ जाएगा। और इसमें एक बात हो गई आपको बताने के लिए, और वो बात थी अगर माइनस की वैल्यू है तो दोनों ही माइनस के होंगे, ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, क्लियर, ठीक। तो यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा, ये सब माइनस है, क्लियर। कोई डाउट? चलो इसके बाद तो बच्चों को डाउट क्वेश्चन नंबर 8 में, -6/7 + -5/4 6 + -4/9 + -15/7, ठीक है। इसको हमें सॉल्व करना है, बीच में प्लस का साइन है यानी कि इन्हें सबको हमें ऐड करना है, ठीक है। वैल्यू को नहीं देखते, वैल्यू किस कौन सी है देखते हैं बीच में क्या है, प्लस प्लस प्लस, हमें इनको सबको ऐड करना है। हम इनमें प्रॉपर्टीज लगाएंगे इंटीजर की और इनको सबको ऐड करेंगे। पहले इन्हें सही कर लिया, यहाँ पर कितने साइन है, एक साइन है, तो -6/7 एज इट इज, यहाँ पर कितने साइन है, दो, तो प्लस माइनस -5/6, यहाँ पर कितने साइन है, दो, तो दो को एक में चेंज करें प्लस माइनस -4/9, यहाँ पर कितने साइन है, दो, प्लस माइनस -15/7 साइन हो गए, ठीक है। साइन के बाद देखो ये लाइक है अनलाइक, अनलाइक है तो इन्हें पहले चेंज करेंगे हम लाइक में। कैसे चेंज करेंगे, 7, 6, 9 और 7 का हमें क्या लेना है, एलसीएम लेना है। तो 7 है दो, तो 7 को तो एक ही बार लेंगे, 7, 6 और 9 का हम लेंगे एलसीएम, 2 से डिवाइड करते हैं, 7 का 7, 3,
थ्री, थ्री से करते हैं सेवन का सेवन वन वन, और सेवन से करते हैं वन वन वन, क्या जाएगा सेवन थ्री जा ट्वेंटी वन, टू जा फोर्टी टू। तो इनका सबका एलसीएम क्या आ गया हमारा 42। अब मैंने सबके नीचे 42 लिखा है, ठीक है, इसका मतलब क्या है सेवन को भी मैंने 42 में चेंज कर दिया, सिक्स को भी, नाइन को भी और सेवन को भी। तो हमने यहाँ पर गड़बड़ कर दी, यहाँ पर नाइन ही रहेगा, थ्री आएगा, थ्री आएगा, सेवन ही आएगा, वन आएगा, ये सेवन आएगा, वन वन वन, ठीक है। सेवन थ्री जा ट्वेंटी वन, ट्वेंटी वन सिक्स है, वन हंड्रेड ट्वेंटी सिक्स, वन हंड्रेड ट्वेंटी सिक्स, ठीक है। सेवन में हम किसकी मल्टीप्लाई करें जो 126 है, यहाँ देख सकते हैं सेवन है ना, सेवन को छोड़ दो, टू थ्री जा सिक्स, सिक्स थ्री जा नाइन, तो नाइन की मल्टीप्लाई करें, ठीक है, नाइन सिक्स जा सॉरी थ्री थ्री जा नाइन, टू जा एटीन, एटीन सिक्स जा वन हंड्रेड एट। अब सिक्स में हमें किसकी मल्टीप्लाई करनी है, तो सिक्स को छोड़ेंगे इन दोनों से, टू थ्री जा सिक्स, इन्हें दोनों को छोड़ देंगे, सेवन थ्री जा ट्वेंटी वन, ट्वेंटी वन की मल्टीप्लाई फाइव में करेंगे, क्या आएगा ट्वेंटी वन फाइव सेवन, वन हंड्रेड फाइव माइनस, अब नाइन है ना, नाइन में किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से पता चल जाएगा थ्री थ्री जा नाइन, नाइन को छोड़ देंगे, सेवन टू जा फोर्टीन, फोर्टीन की मल्टीप्लाई, अब वही सेवन, सेवन को छोड़ेंगे थ्री थ्री जा नाइन, टू जा एटीन, एटीन की मल्टीप्लाई करेंगे हम फिफ्टीन, तो टू हंड्रेड सेवनटीन, ठीक है। अब देखो ये सारी वैल्यू माइनस की है, लाइक है सारी, सब ऐड हो जाएगी, वन हंड्रेड एट, वन हंड्रेड फाइव, फिफ्टी सिक्स, टू सेवनटीन, ठीक है, माइनस फाइव हंड्रेड थर्टी नाइन अपॉन वन ट्वेंटी सिक्स, क्लियर, नो डाउट। अब इनको देख लेते हैं किसी से डिवाइड होते हैं या नहीं होते हैं, तो देखो एक तरीका तो ये है, दूसरा देखते हैं इसी को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। अगर हम क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन में लिखा हुआ है यूजिंग द रीअरेंजमेंट प्रॉपर्टी, इसी क्वेश्चन को फाइंड द सम। अब रीअरेंजमेंट का मतलब क्या है, रीअरेंजमेंट का मतलब है जिनके डिनोमिनेटर एक जैसे हैं उनको पहले सॉल्व करो, और जिनके अलग है उनको अलग सॉल्व करो। देखो माइनस सिक्स अपॉन सेवन प्लस माइनस फिफ्टीन अपॉन सेवन, ठीक है, प्लस माइनस फोर अपॉन नाइन प्लस माइनस फाइव अपॉन सिक्स, ठीक है। तो इन दोनों को अलग सॉल्व करेंगे, ठीक है, और इन दोनों को अलग सॉल्व करेंगे, दोनों का एलसीएम सेवन है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, माइनस सिक्स प्लस माइनस माइनस फिफ्टीन अपॉन सेवन एज इट इज लिख दिया, यहाँ पे एलसीएम लेने की जरूरत नहीं थी क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर सेम थे, बट यहाँ पर जरूरत पड़ेगी, प्लस को ऐसे लिख देंगे अभी, ठीक है, इन्हें सिक्स और नाइन का एलसीएम क्या है एटीन, ठीक है, नाइन टू जा एटीन, फोर टू जा एट माइनस एट, ठीक है, प्लस माइनस माइनस, सिक्स थ्री जा एटीन, फाइव थ्री जा फिफ्टीन, क्लियर, गुड आउट, गुड, चलो माइनस के हैं दोनों, माइनस माइनस प्लस, क्या प्लस होगा, वैल्यूज प्लस होगी और साइन आएगा बड़ी वैल्यू, फिफ्टीन और सिक्स ट्वेंटी वन,
माइनस 21 अपॉन 7 प्लस माइनस माइनस प्लस 15 और 8 23 माइनस 23 अपॉन 18। ठीक है, अब 7 और 18 का एलसीएम क्या है, वही जो हमने भी निकाला, क्या आएगा 126। ठीक है, चलो आप 7 में किसकी मल्टीप्लाई करें जो 126 आए, 18 की। ठीक है, 18 बन जाए 18, 18 टू जा 36, 36 और 18 ये आ जाएगा हमारा 378। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस के 378 प्लस माइनस माइनस 18 में किसकी मल्टीप्लाई करें जो 126 आए, 7 की, तो 23 में 7 की करेंगे, 7 टू जब 14, 140 और 73 का 21, तो 140 और 21 161। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, वैल्यू प्लस हो जाएगी, 8 प्लस 1 9, 13 3 3 1 4 1 5 माइनस 539 अपॉन 126। देखो दोनों से एक ही आंसर आ रहा है, क्लियर, गुड आउट। ये थी यूजिंग द रीअरेंजमेंट प्रॉपर्टी। अगर आप रीअरेंजमेंट प्रॉपर्टी भी नहीं लगाते, आपके समझ में नहीं आता, तो डायरेक्ट करो जैसे पहले किया था हमने। ठीक है, वन ई में काफी बच्चों के डाउट थे, उन्होंने पूछा कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड क्वेश्चन सर आपने नहीं कराया, क्यों नहीं कराया। ठीक है, मैंने ये इसलिए नहीं कराया, आप अगर पढ़ो, फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, चलो पहले फर्स्ट क्वेश्चन में सिंपल है, फर्स्ट क्वेश्चन का 6 ले लेते हैं, फर्स्ट के सिक्स में इसने कहा है माइनस 65 अपॉन 14 डिवाइड बाय 13 अपॉन 7। ठीक है, डिवाइड का साइन चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई में, माइनस 65 अपॉन 14। ठीक है, डिवाइड का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और ये आ जाएगा 7 अपॉन 13। ठीक है, माइनस का माइनस रहेगा, 13 बन जा 13, 13 5 जा, ठीक है, 7 बन जा 7 और 7 2 जा, तो ये आ जाएगा 5 अपॉन 2। क्लियर, कोई डाउट। अब सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, लिखा हुआ है वेरीफाई वेदर द गिवन स्टेटमेंट्स इज ट्रू और फॉल्स। ये जो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं ये ट्रू है या फॉल्स है। थर्ड में भी ऐसे किया, वेरीफाई वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। ठीक है, अब अगर हम इनको ध्यान से देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है ए डिवाइड बी इक्वल है बी डिवाइड ए, ये हमारा कौन सा लॉ है, कम्यूटेटिव लॉ। और मैंने आपको बताया था कम्यूटेटिव लॉ जो होता है वो हमेशा मल्टीप्लाई में और प्लस में लगता है। ठीक है, यहाँ पर क्या है बीच में डिवाइड, तो ये सभी फॉल्स हो जाएंगे, इसीलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन नहीं कराया था। ठीक है, चाहे आप चाहे तो करके देख सकते हैं, थर्ड जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड का फर्स्ट है 13 अपॉन 5 डिवाइड बाय 26 अपॉन 10 इक्वल होगा 26 अपॉन 10 डिवाइड बाय 13 अपॉन 5। क्लियर, चलो अब 13 अपॉन 5 मल्टीप्लाई 10 अपॉन 26 इक्वल होगा 26 अपॉन 10 डिवाइड का मल्टीप्लाई 5 अपॉन 13। ठीक है, तो 5 बन जा 5, 5 टू जा 10, 13 बन जा 13, 13 टू जा, ठीक है, तो 2 अपॉन 2, 2 से 2 कट जाएगा, सारी जगह क्या आ जाएगा 1, तो 1 अपॉन 1 इक्वल
क्लियर। चलो 13 वन जा 13, 13 टू जा 26, 5 वन जा 5, 5 वन जा 5 और 5 टू जा 10, तो 2 अपॉन 2, 2 अपॉन 2, ये भी क्या जाएगा 1 इक्वल टू 1। क्या हो रहा है यहाँ पर, दोनों इक्वल आ रहे हैं, ठीक है। तो दोनों इक्वल आ रहे हैं तो स्टेटमेंट्स क्या है हमारा, ट्रू है या फॉल्स है, ट्रू है। क्लियर, कट आउट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन और करते हैं, इसका ही फोर्थ, माइनस 7 अपॉन 24 डिवाइड बाय 3 अपॉन माइनस 16 इक्वल टू, इक्वल टू 3 अपॉन माइनस 16 डिवाइड बाय माइनस 7 अपॉन 24, माइनस 7 अपॉन 24 मल्टीप्लाई बाय माइनस 16 अपॉन 3, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 8 टू जा 16, 8 3 जा 7, 2 जा 14 अपॉन 9 इक्वल टू, इसमें कैसे करेंगे, 3 अपॉन माइनस 16 मल्टीप्लाई 24 अपॉन माइनस 7, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 8 टू जा 16 और 8 3 जा 24, तो क्या आ जाएगा ये 9 अपॉन 7 टू जा 14। देखो अब आपके मन में एक बात आ रही होगी, हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसमें 1 इक्वल टू 1 आ गया था, ठीक है, बट यहाँ पर तो इक्वल नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्योंकि जो कम्यूटेटिव लॉ है वो डिवाइड में यूज नहीं होता बाई चांस, समझ रहे हो ना बात को, बाई चांस एक जगह इक्वल आ गया, जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन में दोनों इक्वल आ गए, कभी कभी हो जाता है 100 में से एक बार इक्वल आ गए, ठीक है, अदरवाइज कभी भी इक्वल नहीं आते, नहीं तो आए तो नहीं ना इक्वल, तो ये क्या हो गया हमारा फॉल्स, ठीक है, क्लियर, अगर इक्वल आए तो ट्रू और इक्वल ना आए तो फॉल्स, क्लियर। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं इसका ही, थर्ड का फर्स्ट कर लेते हैं, थर्ड का फर्स्ट, थर्ड का फर्स्ट क्या है हमारा, 5 अपॉन 9 डिवाइड बाय 1 अपॉन 3 ब्रैकेट डिवाइड बाय 2 अपॉन 5, सॉरी 5 अपॉन 3, 5 अपॉन सेम ऐसे रहेगा, बट ये ब्रैकेट इधर की ना यहाँ पर आ जाएगा, 5 अपॉन 9 डिवाइड बाय 1 अपॉन 3 ब्रैकेट आ जाएगा डिवाइड बाय 5 अपॉन 2, क्लियर। चलो तो 5 अपॉन 9 डिवाइड यानी कि मल्टीप्लाई 3 अपॉन 1 डिवाइड 5 अपॉन 2 इक्वल्स टू 5 अपॉन 9 एज इट इज डिवाइड बाय 1 अपॉन 3 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 5, क्लियर, सॉल्व कर लेते हैं, 3 बन जाए 3, 3 3 जा 9, तो याद आएगा 5 अपॉन 3 डिवाइड बाय 5 अपॉन 2, 5 अपॉन 9 डिवाइड बाय, इसको सॉल्व करते हैं ये आ जाएगा 2 अपॉन 15, क्लियर, 5 अपॉन 3 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन 5 इक्वल्स टू 5 अपॉन 9 मल्टीप्लाई बाय 15 अपॉन 2, ठीक है, देखो 5 से 5 के लिए 2 अपॉन 3 इक्वल, ठीक है, यहाँ पर 3 से 3 3 जा 9, 3 5 जा
15, तो ये आ जाएगा 15 अपॉन 6, नहीं आ रहा ना, ठीक है। मोस्ट कॉमनली क्या होगा कि हमारी साइडें इक्वल नहीं आएंगी, क्यों? क्योंकि यहाँ पर कौन सा लॉ है, ये है हमारा एसोसिएटिव लॉ। जहाँ पर दो वैल्यू होती है वहाँ पर कम्यूटेटिव लॉ होता है, जहाँ पर तीन वैल्यू होती है वहाँ पर एसोसिएटिव लॉ होता है। डिवाइड में और माइनस में कहीं पर भी एसोसिएटिव लॉ और कम्यूटेटिव लॉ नहीं लगता है। अब आपके मन में एक बात आई होगी, सेकेंड का जो फर्स्ट था उसमें दोनों साइड 1:1 आ गई, ठीक है। वो बाई चांस होता है, कभी कभी हो सकता है कि वहाँ पर आ जाए इक्वल, बट मोस्ट कॉमनली नहीं आता। क्लियर? कोई डाउट? चलो इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर एक बच्चे का काम होगा, डिवाइड द सम बाय देयर डिफरेंस, ठीक है। सम को हमें डिवाइड करना है उसी के डिफरेंस, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 10। सम क्या है हमारा? सम किसका करना है? दो वैल्यू है, दोनों का सम करना है, उन्हीं वैल्यू का डिफरेंस करना है। 65.12 प्लस, हम यानी कि प्लस 8/3 डिवाइड करना है हमें किससे? इन्हीं दोनों के डिफरेंस से। तो 65/12 माइनस 8/3 एलसीएम क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। 12 × 12 65/65 रहेगा, क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 12 है, तो 3 × 4 = 12, 8 × 4 = 32। इधर भी सेम होगा सब कुछ, बट बीच में माइनस का साइन आ जाएगा। 65 − 32/12 क्लियर, ठीक है। दोनों को ऐड करेंगे, 97/12 डिवाइड बाय यहाँ जाएगा 33 upon 12, ठीक है। 97/12 मल्टीप्लाई बाय 12/33, 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, यह आ जाएगा 97/33। सो कर लिख सकते हैं 2 whole 31/33 हो गया। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। चलो हाँ, एक क्वेश्चन को डाउट था आपको, एक क्वेश्चन था हमारा, दो क्वेश्चन कराता हूँ, चलो दोनों से समझ पाएगा आपको। ये है हमारा 9/8 डिवाइड बाय समथिंग इक्वल्स टू −3/2 क्लियर। और एक क्वेश्चन है हमारा समथिंग डिवाइड बाय −7/5 इक्वल्स टू 10/19 दोनों के बीच में डिवाइड का साइन, ठीक है। अब देखो एक बात ध्यान से, मैं एक चीज लिखता हूँ यहाँ पर, 2 × 3 और 2/3, ठीक है। 2 3 की मल्टीप्लाई में, 3 2 की मल्टीप्लाई में, बट डिवाइड में ऐसा नहीं होता है। 3 2 के डिवाइड में है और 2 3 की मल्टीप्लाई में। 2 ऊपर है, 3 नीचे है, तो जो ऊपर वैल्यू होती है वो होती है मल्टीप्लाई में, और जो नीचे वैल्यू होती है वो होती है डिवाइड में। ये ऐसे कहें, डिवाइड के बाद जो वैल्यू होती है वो तो होती है डिवाइड में, क्योंकि डिवाइड के बाद है, ठीक है। डिवाइड से पहले जो वैल्यू होती है वो होती है मल्टीप्लाई में। क्लियर? तो अब यही चीज यहाँ पर यूज करते हैं, यहाँ पर एक्स मान लेते हैं दोनों, ठीक है। दोनों को एक साथ कराऊंगा, आपके समझ में आएगा अच्छे से। किसकी वैल्यू निकालनी है? एक्स की, है ना। तो इसको उधर ले जाएंगे, ठीक है। ये डिवाइड में है मल्टीप्लाई में, ये मल्टीप्लाई में है, ठीक है, क्योंकि डिवाइड से पहले।
ठीक है, और x कहाँ है, डिवाइड में, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई में ये उधर चला जाएगा डिवाइड में, और यहाँ क्या रह जाएगा, वन। जब कोई वैल्यू उधर जाती है डिवाइड से मल्टीप्लाई में या मल्टीप्लाई से डिवाइड में, तो वो वहाँ पर वन छोड़ के चली जाती है। क्लियर? तो ये आ जाएगा वन डिवाइड बाय एक्स इक्वल्स टू, जो पहले था उसको पहले लिखेंगे, माइनस थ्री अपॉन टू, और ये मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो उसको लिख सकते हैं नाइन अपॉन एट। क्लियर? इसके बाद वन डिवाइड बाई एक्स यानी कि वन अपॉन एक्स, ठीक है। इसको उसी तरह से सॉल्व करेंगे जैसे अभी तक किया है, अपॉन टू मल्टीप्लाई एट अपॉन नाइन, ठीक है। तो वन अपॉन एक्स इक्वल टू टू वन जा टू, टू टू जा टू, फोर जा एट, थ्री वन जा थ्री, ये माइनस का तो माइनस वन आएगा, थ्री थ्री जा नाइन, तो ये आ जाएगा माइनस फोर अपॉन थ्री। किसकी वैल्यू आई, वन अपॉन एक्स की वैल्यू आई है हमारी माइनस फोर अपॉन थ्री, हमें किसकी वैल्यू निकाल लेगी एक्स की, तो इसका भी रेसिप्रोकल करेंगे, इसका भी रेसिप्रोकल करेंगे। अगर एक साइड का रेसिप्रोकल हो रहा है तो दूसरी साइड का भी रेसिप्रोकल हो जाता है। अगर एक साइड कुछ चीज़ ऐड हो रही है तो वो हमें दूसरी साइड भी ऐड करनी पड़ेगी, एक साइड से कुछ चीज़ माइनस करेंगे तो हमें दूसरी साइड से भी वो माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। एक साइड को उल्टा करेंगे तो दूसरी साइड को भी हमें उल्टा ही करना पड़ेगा, तो एक्स इक्वल टू आ जाएगा हमारा माइनस थ्री अपॉन फोर। क्लियर? कोई डाउट? अब वही क्वेश्चन अगर मैं आप यहाँ पर पूछूँ किसकी वैल्यू निकालनी है एक्स की, तो ये वाली वैल्यू उधर जाएगी, ठीक है। बट ये वैल्यू है किसमें, डिवाइड में या मल्टीप्लाई में, डिवाइड में, क्योंकि डिवाइड के बाद है, यानी डिवाइड के बाद मतलब नीचे है ये, ठीक है। तो डिवाइड में है तो उधर चली जाएगी मल्टीप्लाई में, और यहाँ क्या रह जाएगा वन, तो एक्स डिवाइड बाय वन इक्वल टू ये डिवाइड में था, उधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, इसकी जगह क्या रह जाएगा वन, यहाँ पे वन रह गया। क्लियर? अब जो पहले वैल्यू थी पहले उसको लिखेंगे टेन अपॉन नाइनटीन, ठीक है। ये डिवाइड में था, उधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई माइनस सेवन अपॉन फाइव, ठीक है। तो एक्स डिवाइड बाई वन यानी कि एक्स अपॉन वन, और वन को नीचे हम नहीं लिखते हैं, ठीक है। इक्वल टू इसको सॉल्व करते हैं, फाइव वन जा फाइव, और फाइव टू जा टेन, ठीक है, सेवन टू जा फोर्टीन, तो ये आ जाएगा माइनस फोर्टीन अपॉन नाइनटीन। किसकी वैल्यू निकालनी है एक्स की, तो एक्स ही तो है, नीचे से वन हटा देंगे। यहाँ क्यों नहीं हटाया था, क्योंकि ऊपर से वन हम नहीं हटा सकते, ठीक है। क्यों, टू अपॉन वन और वन अपॉन टू, ये तो पूरा टू ही है क्योंकि वन हट जाएगा पीछे से, बट ये क्या है वन अपॉन टू यानी कि हाफ। क्लियर? आई बात समझ में? चलो और अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में था फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन, क्वेश्चन नंबर टेन करते हैं, ठीक है। फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन माइनस थ्री अपॉन फोर और फाइव अपॉन सिक्स, माइनस थ्री अपॉन फोर एंड फाइव अपॉन सिक्स। क्लियर? कितने रेशनल नंबर निकालना है, टेन, तो एन इक्वल टू क्या हो गया हमारा टेन, तो वैल्यू क्या आ जाएगी टेन प्लस वन यानी कि इलेवन से हमें मल्टीप्लाई करनी है, बट अभी मल्टीप्लाई नहीं करनी, ठीक है। पहले क्या करेंगे, पहले दोनों को लाइक करेंगे। लाइक कैसे होगा, यहाँ पर फोर है यहाँ पर सिक्स है, दोनों का एलसीएम ट्वेल्व, दोनों को ट्वेल्व बनाएंगे, फोर को भी ट्वेल्व बनाएंगे और सिक्स को भी ट्वेल्व बनाएंगे। फोर में किसकी मल्टीप्लाई करूँ ट्वेल्व बनाने के लिए, थ्री की, तो थ्री की मल्टीप्लाई ऊपर और थ्री की मल्टीप्लाई नीचे, जिसकी मल्टीप्लाई नीचे उसी की मल्टीप्लाई ऊपर करनी पड़ती है, ये कंपल्सन है। ऐसे मत कर देना कि नीचे मल्टीप्लाई कर दे ऊपर छोड़ दिया, ठीक है, क्योंकि फोर चेंज कर रहा है तो थ्री भी चेंज होगा। क्लियर? ऐसे ही फाइव अपॉन सिक्स, सिक्स में किसकी करेंगे टू की, तो फाइव में भी हमें टू की करनी पड़ेगी। क्लियर? तो माइनस नाइन अपॉन ट्वेल्व और टेन अपॉन ट्वेल्व हो गए दोनों लाइक, ठीक है। अब लाइक हो गए, कितने निकालने हैं हमें, दस, टेन निकालने, तो ग्यारह से मल्टीप्लाई करेंगे, किस में, दोनों में, और दोनों के भी न्यूमिनेटर में भी डिनोमिनेटर में भी इलेवन से मल्टीप्लाई करेंगे,
माइनस नाइन मल्टीप्लाई इलेवन अपॉन ट्वेल्व मल्टीप्लाई इलेवन, ठीक है। और यहाँ की वैल्यू लेता हूँ मैं, टेन मल्टीप्लाई इलेवन अपॉन ट्वेल्व मल्टीप्लाई इलेवन, क्लियर। तो नाइन या जाएगा माइनस नाइन्टी नाइन अपॉन वन थर्टी टू, और वहाँ पर आ जाएगा वन हंड्रेड टेन अपॉन वन थर्टी टू। तो यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है। अगर माइनस से प्लस की तरफ जाए तो क्या लिखेंगे, 99 के बाद क्या आता है, 99 132, कितना आ जाएंगे, बहुत सारे नंबर आ जाएंगे, हम कोई से भी लिख सकते हैं। माइनस 98 अपॉन 132, ठीक है। माइनस 97 अपॉन 132, डॉट 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 डॉट, हम कितने भी लिख सकते हैं, बस हम इनमें से क्या करेंगे, 10 लिख लेंगे। ओके, कोई डाउट, कोई डाउट नहीं है। दोबारा से देख लेते हैं एक बार, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है इस क्वेश्चन में। माइनस 3 अपॉन 4 5 अपॉन 6, माइनस 3 अपॉन 4 एंड 5 अपॉन 6 सेम, ठीक ठीक है। इसके बाद अनलाइक है तो दोनों को लाइक करेंगे। 3 4 और 6 का एलसीएम आएगा 12, 4 3 जा 12, 3 3 जा 9, तो माइनस 9 अपॉन 12 और ये आ गया 10 अपॉन 12, ठीक है। अब वैसे एक बात बताऊँ मैं आपको, अगर आप इन दोनों को ही सोल्व कर लें बिना मल्टीप्लाई करे भी, ठीक है, इन दोनों के बीच में भी 10 नंबर आ चुके हैं। अगर हम ध्यान से देखें, माइनस 8 अपॉन 12, माइनस 7 अपॉन 12, ठीक है, 10 नंबर, बल्कि 10 से भी ज़्यादा नंबर आ चुके हैं, क्लियर। बट अगर नहीं आए हैं, लाइक करने के बाद भी नहीं आए हैं, तो हम क्या करते हैं, 10 निकालते हैं तो 11 से मल्टीप्लाई करते हैं। बट पहले लाइक करेंगे, और लाइक करने के बाद हम चेक करेंगे इन दोनों के बीच में, अगर हम चेक करते हैं तो आ रहे हैं, कौन कौन सा आ रहा है, माइनस 8 अपॉन 12, 7 अपॉन 12, ऐसे करते करते 9 अपॉन 12 तक, ठीक है, 18 नंबर आ गए, ठीक है। उनमें से कोई भी 10 भी लिख सकते हैं, वो भी सही होगा। और अगर आपको पूरा ही प्रोसीजर करना है तो पहले लाइक करो, लाइक करने के बाद अगर 10 निकालना है तो 11 से मल्टीप्लाई, क्लियर, कोई डाउट। देखो आप अब हमारा क्वेश्चन है, एक बच्चे को डाउट था कि डिवाइड में, देखो दो तरह के क्वेश्चन होते हैं, मैं अपने पास से बता देता हूँ ये चीज़ आपको। एक फॉर्मूला लिख लो सभी, फॉर्मूला है हमारा पर यूनिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ यूनिट, ठीक है, इक्वल्स टू टोटल वैल्यू, ठीक है। टोटल वैल्यू क्या होती है, कलेक्शन, ऑरेंज बेचे टोटल कलेक्शन कितना हुआ, वो टोटल वैल्यू, टिकट बेचे कितना कलेक्शन हुआ टोटल, वो टोटल वैल्यू है, ठीक है। अब ये पर यूनिट क्या है, ये पर यूनिट है एक टिकट की कॉस्ट, ठीक है, या एक ऑरेंज की कॉस्ट, क्लियर, कोई डाउट। अब ये नंबर ऑफ यूनिट क्या है, कितने टिकट है, कितने टिकट उसने बेचे, ठीक है, या कितने ऑरेंज उसने बेचे, क्लियर, कोई डाउट। अब मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ यहीं पर, एक लड़के ने ऑरेंजेस बेचे, 8 रुपीज का एक ऑरेंज बेचा, तो ये कॉस्ट क्या हो गई, पर यूनिट हो गई, ठीक है। और उसका जो कलेक्शन था वो था 440 रुपीज का, तो ये क्या हो गई, टोटल वैल्यू, ठीक है। अब टोटल वैल्यू भी हमारे पास, ठीक है, और पर यूनिट कॉस्ट भी है ना, तो पर यूनिट कॉस्ट की जगह पर यूनिट कॉस्ट लिखेंगे, और टोटल वैल्यू की जगह पर टोटल वैल्यू लिखेंगे। पर यूनिट कॉस्ट कितनी हमारी, 8 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ यूनिट इक्वल टू टोटल वैल्यू क्या है, 440, ठीक है। ये मल्टीप्लाई में एक दूसरे के, 8 इसकी मल्टीप्लाई में, ये 8 की मल्टीप्लाई में, हमें तो नंबर ऑफ यूनिट निकालना है। तो
तो उसने हमसे क्या पूछा कि उसने कितने ऑरेंज बेचे, ये बताना है हमें। तो हम ये मल्टीप्लाई में उधर चला जाएगा डिवाइड में, तो नंबर ऑफ यूनिट लिख रहा हूँ मैं यहाँ। ऑरेंज भी लिख सकते हो, नंबर ऑफ टिकट भी लिख सकते हो। वो पूछे कितने टिकट बेचे, कितने ऑरेंज बेचे, कितने किलो चीनी आएगी, ऐसे भी तो इस तरह से भी तो कह सकता है मेरे पास 440 रुपए हैं, एक किलो चीनी 8 रुपए की है, तो कितनी चीनी आएगी। ये पूछ रहा है कितनी किलो चीनी आएगी, यूनिट पर यूनिट पूछ रहा है या नंबर ऑफ यूनिट पूछ रहा है। नंबर ऑफ यूनिट पूछ रहा है कितनी, हाउ मैनी, जहां पर यह हो ना हाउ मैनी, हाउ मैनी, हाउ मैनी मतलब नंबर ऑफ यूनिट, ठीक है। अब जहां पर क्या है ईच यूनिट, ठीक है, ईच ईच जहां पे कहता है वो होता है पर यूनिट, जहां पर कहता है हाउ मैनी वो होता है नंबर ऑफ यूनिट, और जो टोटल प्राइस है वो तो है ही टोटल प्राइस, जितने में बेचा है जितना उसके पास है, क्लियर। तो 440 को डिवाइड करेंगे हम किससे, 8 से, 55 ओरेंजेस उसने बेचे, ठीक है, कोई डाउट। अब इसको आप इस तरह से समझ सकते हो, अगर पर यूनिट निकालनी है तो नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर दो, ठीक है, और अगर नंबर ऑफ यूनिट निकालनी है तो पर यूनिट से डिवाइड कर दो, करके देखते हैं। चलो हमें ये नहीं पता, हमें नंबर ऑफ यूनिट पता है कितनी है 55 अभी तो आई, ठीक है, पर यूनिट निकालनी है, तो पर यूनिट कैसे निकालनी है, पर यूनिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ यूनिट, यही था ना, यूनिट इक्वल टू फॉर टोटल वैल्यू, पर यूनिट हमें निकालनी है, इसको यहीं पर रहने देंगे, मल्टीप्लाई 55 नंबर ऑफ यूनिट इक्वल टू टोटल वैल्यू, टोटल वैल्यू क्या है हमारी 440, तो पर यूनिट इक्वल टू 440 अपॉन 55 डिवाइड करेंगे तो पर यूनिट क्या आ जाएगी 8 रुपीज। एक ऑरेंज कितना का था 8 रुपए का, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ था, क्लियर, कोई डाउट, क्लियर है ना, अब तो नहीं है कोई डाउट, बहुत अच्छे। आज के लिए इतना ही, अच्छे से प्रैक्टिस करो, ठीक है, टेस्ट की तो ऐसा है जब आपका कंप्लीट हो जाएगा अच्छे से जब लेंगे टेस्ट, क्लियर।